हमें इस चौधरी चंदेल की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। आपके बेटे ने अभी अपनाया नहीं है मुझे, कैसे बनूंगी माँ? भाभी माँ बनने वाली है? बनने वाली थी पर अब नहीं। यो बम तो एकदम फुस हो लिया। उसे हमारे घर की खबर लगती कैसे? बात है तो गौर करने लायक। उसे हमारे घर की बातें पता कैसे चलती हैं? कहीं जे काम लाली का तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। लाली इस घर का वर्षों से मेंबर है। पर है तो नौकरी ना। हूं तो नौकरी और था भी, पर जब से इस घर में छोटी वाली बहू आई है, उन्होंने मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर इस घर के लिए वफादार बना दिया है। भैया मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकती। भैया बुरा मत मानिएगा, पापा की संपत्ति पे जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी है। और ये कहां की परंपरा है भैया, जो अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा मैं आपके नाम कर दूं? मेरी प्यारी जाने मन, क्या सोच रही हो इतने डीप थॉट में? जाने मन? हाउ चीप। जाने मन क्या होता है? चीप? अरे यार है तो है अब, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ और भी तो कह सकते थे ना। हाँ कह तो सकता था, जैसे ब्यूटिफुल, स्वीट हार्ट, गॉर्जियस, राइट? हाँ ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। कम ऑन नंदिनी यार, मतलब अंग्रेजी में कहो तो ठीक और हिंदी में कहो तो चीप। हाउ चीप नंदिनी, नॉट डन यार। ऐसी बात नहीं है देव। तो कैसी बात है? बात तो कुछ है, सोच क्या रही थी तुम ये बताओ। सोच रही थी? हाँ सोच तो रही थी। कम ऑन नंदिनी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सोच क्या रही थी मेरी प्यारी सी जाने मन। फिर जाने मन? ओप्स सॉरी सॉरी सॉरी, नो जाने मन, स्वीट हार्ट। अब बताओ कहाँ खोई हुई थी, क्या सोच रही थी? सही सही। खोई तो कहीं नहीं थी, बस सोच रही थी। भैया आए थे और मैंने उन्हें साइन करने से मना कर दिया, उन्हें निराश भेज दिया। हाँ यार निराश तो तुमने कर दिया उन्हें। I don't know, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि तुम्हें उन पेपर्स पे साइन कर देने चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू मी। हाँ करना चाहिए था और कर भी सकती थी, पर बात सिर्फ मेरे साइन करने की नहीं है देव, उन पेपर्स में प्रिया का हिस्सा भी शामिल है। तो ये कि सवाल सिर्फ मेरे साइन करने का नहीं है देव, सवाल फिर अधिकार का है। कोई मर्द ये कैसे सोच लेता है कि घर की हर औरत हर लड़की उसकी खींची हुई लकीर को मान ले? हाँ तो मान लेनी चाहिए ना यार। यही सोच तो बदलनी है। मेरा मानना है कि आज के टाइम में लड़की का अपना भी एक वजूद होना चाहिए। जेंडर के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का किसी एक को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली तुम्हारी ये जो सोच है ना, बस यही मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक लड़की
एक बेटी और बहू सबको अधिकार होना चाहिए, सबको हक होना चाहिए कि घर की दीवार में उनकी भी सह हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आई टोटली अग्री विद यू। लेकिन आई डोंट नो, सतीश भैया जब आए थे तो कुछ तो बात होगी ना, और तुमने उनके पेपर्स पे साइन भी नहीं किए। जाहिर सी बात है, जहां तक मैं जानता हूं, उनको समझता हूं, उन्हें बुरा बहुत लगा होगा। हाँ बस यही सोच रही हूँ, भैया मेरे आइडियल हैं, पर बात जब अधिकार की हो ना तो कभी कभी अपने इमोशन को साइड में रखना होता है। जब तक मैं बाबूजी से बात नहीं कर लूंगी अपने को नहीं समझ सकती। हाँ ये ठीक है, लेकिन यार ये सब के चक्कर में यू नो मेरा मतलब अपनी तो यू नो आर यू मैड? No, I'm not mad. I'm Dev, Devinder Singh Chaudhary, the last son of this family, and a handsome husband of a beautiful, gorgeous-looking wife, jiska naam hai Nandini Singh Chaudhary. Didi bula rahi hai. Bakre ki maa kab tak khair manayegi? Phir cheep? No, she's my wife, yaar. I love her, I respect her. कब तक मुझसे पीछा छुड़ाती रहोगी? एक ना एक दिन तो मेरे पास आने ही। मिसेस नंदिनी देवेंद्र सिंह चौधरी। क्या बात है, आज सिर्फ पानी पी रहे हो, शराब नहीं पियोगे? तू बिना ताना मारे कोई बात नहीं कर सकती है क्या है? अच्छा देखो ये कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है। बिना देखे ही बोल रहे हो ना, देख के बोलो ना। एक बार कह दिया ना तुझे, अच्छी लग रही है। पर मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो जब तुझे अच्छी नहीं लग रही तो फिर क्यों लगाई? क्या करूं, टाइम पास भी कोई चीज होती है, जब तुम नहीं थे तो लगा ली, अब तुम आ गए तो मिटा रही हो। अच्छा तो आप कौन सा टाइम पास कर रही है तू? जिंदगी भी तो एक टाइम पास ही है वीरेन बाबू, हर कोई अपने हिस्से का टाइम ही तो पास कर रहा है ना। तो तू भी क्या मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है? मैंने ये कब कहा, मैं तो जिंदगी के बारे में बात कर रही थी। वैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो सिर्फ टाइम ही पास कर रहे हो ना? पता नहीं। पता नहीं, पता तो होना चाहिए ना, ऐसे कैसे? तू चुप रह सकती है थोड़ी देर, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। हाँ चुप तो रह सकती हूँ, पर ये तो बताओ कि परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ, बात ही कुछ ऐसी है। नीरू पर माँ बनने का इल्जाम लगाया जा रहा है। किस पर हंस रही है तू? मुझ पर? नहीं, हंस मैं इस बात पर रही हूँ कि मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ कि कोई बीवी पर मां बनने का इल्जाम लगाया जा रहा है। आज तक तो सिर्फ रखेल पर ही इल्जाम लगता आया है। तुझे मजाक सोच रहा है, यहां मैं परेशान हूं और तुझे मजाक सोच रहा है? मजाक क्यों सूझेगा? अच्छा मुझे सच सच बताओ, कहीं सच में तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे की मां तो नहीं बनने वाली है? तू जानती है ना
ये सच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मर्द जात का क्या भरोसा? क्यों नहीं, जब वो कर सकती है तो तू भी कर सकती है ना, जबकि तू तो मेरी बीवी भी नहीं है। मेरे पंच भाइयों, भाई मैंने हमेशा बिरादरी का ख्याल रखा है और आगे भी रखता रहूं। मैं जब भी जितने भी पैसे की जरूरत पड़ी है मैंने दिए दिए कि नहीं। वह तो ठीक है चौधरी चंदेल सिंह, पर मैंने यो बता कि काय के वास्ते के लिए बुलाया है। अरे शरबत तो हमारे घर में भी बने हैं भाई। भाई मजाक बहुत बढ़िया करने लग रहे हो तुम। मैंने कौन सा मजाक कर दिया बावरे? अरे भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा था ना। तन्ने हमें ऐसे ही कहने के लिए बुलाया है? असली बात कर इब। वही तो कहने लग रहा भाई, शरबत तो पियो। ले फिर। अरे तू शरबत पिलान क्यों लाग रिया है? सीधी सीधी बात क्यों नहीं करता? अरे भाई वही तो करण लाग रहा मैं। तो कर ना, काय को टाइम खराब कर रहा है। अरे भाई मेरे को बोलने दोगे तभी तो मैं बोल लूंगा। देखो मेरे भाई, मैंने बिरादरी के लिए बहुत कुछ किया है ना, तो फिर क्या तुझे अभी प्रमाण पत्र दिलवा दे? 26 जनवरी को राष्ट्रपति से अवार्ड दिलवा दे। अरे किया है तो किया है, तेरी भी बिरादरी है ना। मन्ने तो किया है, बहुत कुछ किया, पर जिसने ना किया है उसका के? किसकी बात करन लाग रिया है? चौधरी सुमेर सिंह की। यो यो योई, इब पकड़ा ना कैच आपने। कैच आवेगा तो पकड़ा जावेगा ना बेवकूफ। अरे सब जानते हैं कि चौधरी सुमेर की छोरी ने आत्महत्या कर ली थी, सिर्फ इस वास्ते कि चौधरी सुमेर ने उसकी शादी एक अंग्रेज से करने को मना कर दी थी। वही तो इसमें तो सुमेर की कोई गलती ना है, उसने तो बिरादरी का ख्याल रखा। आरा भाई, अब छोटे छोरे ने जो प्रधान की छोरी से शादी कर ली, वो ओए चंदेल बावली बूझ। अरे प्रधान भी तो अपने ही बिरादरी का है। हाँ भाई बिरादरी का है, मान लिया बिरादरी का है, पर बिरादरी में नहीं होता दिया किसी को। कहाँ लगवाए फेरे, कहाँ गाड़ा तंबू, कहाँ खिलवाया खाना है? भाई बिरादरी के छोरे छोरियां अगर कचहरी में ऐसी शादी करने लगे तो भाई होगी बिरादरी के लोगों की राम राम। ये बात तो तूने बड़ी सही कही है चंदेल। भाई मैं तो हमेशा सही बात करूं। तो अब तू चाहे के हैं? भाई मैं यूं चाहता हूं कि ये चौधरी सुमेर सिंह और उसकी जोरी कामनी देवी ने बिरादरी से निकाल दिया जाए। तो इसमें तेरा क्या फायदा है? वो चुप क्यों है? बोलना तेरा क्या फायदा है भाई? और अगर तेरा कुछ फायदा है तो हमें भी तो मिलना चाहिए। अरे फायदा तो होना ही चाहिए। हेलो, है
हरा फायदा तो होना ही चाहिए, होगा भी। पहले आप लोग हाँ तो बोलो। वो तो समझ लो हाँ हो गए। अब तू पैसे यही देगा कि घर भिजवाएगा? अरे भाई घर पहुंचवा दूंगा। ना चंदे, तेरा भरोसा ना है। अब भाई दे दे। अच्छा तो ठीक है भाई, या लो भाई पकड़ो। इब मन बन गया? जी बन गया। भाई यू बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बिकाऊ नहीं? सब बिके। अच्छा आप तब जाओ, आगे की जो न्यूज है वो मैं फैला दूंगा। अरे सुनो भाई, बस शरबत तो पी के जाओ। अब रहने भी दो जी, शरबत बाद में दूसरी बार पी लेंगे जी। ना ना भाई, शरबत पीना तो बने है, पियो पियो। अरे भाई पी लो। साहब इतनी जिद कर रहे हैं। आप पियो भाई, पियो पियो। शाबाश, बढ़िया बढ़िया। अरे भाई चौधरी चंदेल सिंह के घर की हर चीज बहुत बढ़िया होती है। वाह, चलो जी अब तुम जाओ। हैं, जय शीतला माता। जय शीतला माता। अपना काम तो हो गयो भाई। हेलो, देखो जी, याद जरूरी नहीं है कि मुर्गे की बांग से ही सुबह होती है भाई। आजकल तो दूध वाले की साइकिल की घंटी से भी पता चल जाता कि सुबह हो गई। लेकिन एक बात सुन लो, तेरी सुबह नहीं हो रही, तेरी तो रात हो रही है कामिनी देवी। अरे ऐसी बॉलिंग की है, ऐसी बॉलिंग की है कि विकेट भी गिर गई और रन भी नहीं बनेगा। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं तो समझ ले भाई, मेरे कहने का मतलब है क्लीन बोल्ड होगी तू, क्लीन बोल्ड। चंदेल सिंह का काटा तो पानी भी नहीं मांगता, अगर मांगता है तो कोई पिलाता ना है। हेलो है? अरे भाई ये क्यों गया? फोन लगाया किसी और ने, उठा लिया किसी और ने। चंदेल सिंह इतने गुरूर से क्यों बात कर रहे थे? कुछ तो प्रॉब्लम है इनके दिमाग में। भाई अब क्या करूं, उठा लिया तो उठा लिया। ब्रह्मन ने थोड़ी ना कहा था कि भाई मेरा फोन उठा लो, मैंने तो चुतरा इनको फोन लगाया था। बस एक बात तो है, जिसने भी उठाया मैसेज तो पहुंच ही जाएगा चुतरा इनके पास। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, आज पंचों ने एकदम बढ़िया पंच मारा और मैंने भी कोई कसर ना छोड़ी। हाँ करवाई डाली सुमेर सिंह और उसकी जोरू ने बिरादरी से बाहर निकलवाने की, अगले पैसे लग गए, पर कोई बात नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़े आजकल। बस एक बार ये चौधरी सुमेर सिंह और उसकी जोरू बिरादरी से बाहर हो जाए तो पूरी बिरादरी पे मेरा कब्जा। चौधरी चंदेल सिंह। दीदी बोलो क्या बोलना है? चंदेल जी का फोन आया था, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक रहे थे। क्या बक रहे थे? एक बात पूछूं? सच सच बताना। मैं झूठ नहीं बोलती।
आप रूटीन चेकअप के लिए गई थी, ये बात कुछ और है। वो बोल रहे थे, अरे ऐसी बॉलिंग की है, ऐसी बॉलिंग की है कि विकेट भी गिर गई और रन भी नहीं बनेगा। मेरे कहने का मतलब है क्लीन बोल्ड होगी तू, क्लीन बोल्ड। अरे चंदेड़ सिंह का काटा तो पानी भी नहीं मांगता, अगर मांगता है तो कोई पिलाता ना है। ऐसा क्यों कहा? आखिर उनकी हमसे दुश्मनी क्यों है? अरे नंदिनी, तुझे तो पता है ना, तूने उसके बेटे के होने वाले पति जो छीन लिया है। क्या हुआ दीदी? कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं भी काफी देर से देख रही हूँ, क्या बात है दीदी? कुछ नहीं, बस यही सब, ये जो बिना बात का इतना हंगामा खड़ा हो गया, इसी बारे में सोच रही थी। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि चंडेल सिंह ने आपको देखा तो ये कैसे समझ लिया कि आप प्रेग्नेंट हैं? अरे ऐसा थोड़ी ना होता। अरे कुछ तो अकल होनी चाहिए थी। पर दीदी एक बात पूछूं, सच सच बताना। मैं झूठ नहीं बोलती, पूछो। मुझे ये रूटीन चेकअप वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब? मतलब ये कि आप रूटीन चेकअप के लिए गए थे, ये बात कुछ और है। मैं रूटीन चेकअप के लिए ही गई थी। तुम लोग एक बात बताओ मुझे, अपना ख्याल रखना कोई पाप है क्या? अगर पाप नहीं है तो मेरे क्लिनिक जाने पे इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया? क्यों तुम लोग पीछे पड़ गए हो? कितनी बार तो बोल दिया कि रूटीन चेकअप के लिए गई थी, हद हो गई। सच सच बताओ ना दीदी, आखिर आप क्लिनिक क्यों गई थी? हे भगवान, नंदिनी तुम एक बात को कितनी बार करती हो। मैं थक गई हूँ बोल बोल के, रूटीन चेकअप के लिए ही गई थी। दीदी कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। आप पहले भी लाली भैया के साथ गई थी, बताओ ना दीदी क्या बात है? नंदिनी जितनी बार तुमने ये सवाल किया है तुम्हें एक ही जवाब मिला, फिर भी बार बार क्यों करती हो ये सवाल? छोड़ क्यों नहीं देती बात को? जब मैं आपके चेहरे पे टेंशन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपका दुख शेयर कर लेने चाहिए। जब जेठानी जी मना कर रही है तो रहने दो ना नंदिनी, जरूरी तो नहीं कि हर बात हर किसी से शेयर किया जाए। हाँ जरूरी तो नहीं है, पर कुछ बातें होती हैं जो अपनों से शेयर कर लेनी चाहिए। अपनों से? क्या आप मुझे और देव को अपना नहीं मानती? क्या फर्क पड़ता है, जो मेरा है जब वही अपना नहीं तो किसी और के अपना कहने या बनने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए जो आपके बेटे ने ऑनलाइन डीलिंग की है ना, उसका टैक्स नहीं भरा। ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही है जी, ना आपने सीएसटी भरा है और ना ही आपने वैट भरा है। आप रकम जल्दी जमा करा दीजिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। कितनी रकम है? 78 लाख, आई मीन 78 लाख। अठहत्तर लाख